हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर अपना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम 3NF भी कहते हैं। तो गाइज प्लीज ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने 2NF तक एंड जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने करवाई वो ना करी हो तो प्लीज कर लीजिए, अदरवाइज ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते थर्ड नॉर्मल फॉर्म या 3NF क्या होती है। देखो, अ रिलेशन इज इन 3NF इफ इट इज इन 2NF एंड नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट मस्ट बी नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंड अपॉन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट। भाई ये कहता है कि जब एक रिलेशन के बारे में आप कह रहे हो कि ये 3NF में होना चाहिए तो उसकी कंडीशन क्या है, तो भाई पहले तो उसको 2NF में कन्वर्ट करो, भाई पहले 2NF तक की तो जितनी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवाओ। साथ ही साथ फिर क्या करना है आपको, जितने भी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट या प्राइम की एट्रीब्यूट है वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंड अपॉन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट। भाई जो नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है उनके बीच में, नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट के बीच में, गाइस याद रखना मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट के बीच में वो नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंड होने चाहिए हमारे प्राइमरी की एट्रीब्यूट पे। देखो जब हम सेकेंड NF की बात करते तो उसमें क्या चीज थी कि जितने भी नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है वो फुल्ली क्या होने चाहिए, फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की एट्रीब्यूट पे। वो तो कर रहा है, बट कई बार क्या होता है कि भाई कंप्लीटली तो डिपेंड कर रहे हैं बट एक ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी भी आ जाती है जिसमें क्या होता है कि ट्रांजिटिविटी आ जाती है। ट्रांजिटिविटी मतलब कि जो हमारे नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है उनके बीच में भी फंक्शनल डिपेंडेंसी निकल जाती है। तो वो कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई वो क्या होना चाहिए कि जितने भी आपके पास नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है वो डायरेक्टली क्या होने चाहिए, फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए। उन नॉन प्राइम की के बीच में कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो समझ लो कि वो 3NF में करने लायक हो गया है कि भाई ये अभी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है उससे, ठीक है 3NF में नहीं है उससे करवाओ कि भैया तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब हम इसको क्या करेंगे टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे और इसको 3NF में लेके आएंगे अगर नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट के बीच में कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी निकल जाए, ये समझ के चलना बस, ठीक है। तो उसके आगे जैसे और क्या कह सकते हैं, अ रिलेशन इज इन 3NF इफ इट इज इन 2NF एंड हैविंग नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती थी हमारे पास, विद 2NF में तो है ही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कह रहा कि नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या थी कि नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट के अंदर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पता चले जिसकी वजह से आगे जाके हम कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी इजाद कर रहे हो किसकी, नॉन प्राइम की और प्राइम की, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि जिसको अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं पता तो कर लीजिए एक बार ताकि इस टॉपिक को अच्छे से कर सको, क्योंकि ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है बट इट रिक्वायर्स कि आपको 2NF एंड जितनी भी ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी उनकी नॉलेज हो। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल बड़ा इजी लूंगा, बड़े आसानी से समझ में आएगा। डायग्राम है ये मेरे पास, फंक्शनल डिपेंडेंसी चार्ट जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि ये मेरे पास एक स्टूडेंट का मान लो चार्ट है, ठीक है, उसका डायग्राम हमने बनाया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है कि स्टूडेंट के अंदर जो रोल नंबर है वो है क्या, मेरी प्राइमरी की बताई गई है, ठीक है जी। वैसे भी हम अपनी जितनी भी कीज होती है बॉक्स के अंदर ही रखते हैं, ठीक है, और बॉक्स के आउटसाइड हम क्या रखते हैं बच्चों, नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट या नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट, एक ही बात है, वर्ड जैसा मर्जी कोई, हर बुक का अपना हिसाब है। तो बाहर होते नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट और अंदर होते प्राइम की एट्रीब्यूट। तो रोल नंबर क्या है मेरा, प्राइमरी की, और ये नेम, सेमेस्टर एंड हॉस्टल क्या है, नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डायग्राम और हमें क्या बताता है कि जो रोल नंबर है, ठीक है, उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, नेम निकाल सकता हूँ। भाई मुझे बोला इस रोल नंबर के बच्चे का नाम बताओ, निकाल देंगे क्योंकि स्पेसिफिक होता है। मुझे बोला ये रोल नंबर है बताओ किस सेमेस्टर में पढ़ता है, बता देंगे। मुझे बोला ये रोल नंबर है ये बताओ ये किस हॉस्टल में रहता होगा, बता देंगे बिल्कुल, भैया रिकॉर्ड में देखेंगे रोल नंबर आ गया एक बार में। बट बात आती है यहाँ पे, देखो ये पॉइंट अलग से दिया हुआ है टेबल के लिए कि भाई द कंडीशन इज दैट कि द डिफरेंट हॉस्टल इज अलॉटेड टू डिफरेंट सेमेस्टर। मतलब कि एक हॉस्टल के अंदर भाई ऐसा नहीं कि फोर्थ सेमेस्टर का भी डाल दिया, फिफ्थ सेमेस्टर का भी डाल दिया, दसवें सेमेस्टर, पांच सेमेस्टर, ये सारे मिक्स करके नहीं डाल सकते। वो इसने कहा कि कंडीशन दी हुई है कि हर एक सेमेस्टर वाले का एक अलग से ही हॉस्टल होगा कि भाई ये फर्स्ट वालों का, ये सेकंड वालों का, थर्ड वालों का, फोर्थ वालों का, बना रखी हुई कंपनी वालों ने बहुत सारी बिल्डिंग है,
कोई बात नहीं। तो इस कंडीशन के बेस पे क्या हुआ कि हमने देखा कि मुझे किसी ने बोला कि भाई फोर्थ सेमेस्टर वालों का ये बताओ कि हॉस्टल कहाँ है, बता दे भैया ये रहा। क्या मुझे किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या मुझे इसका रोल नंबर बताने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या हुआ कि सेमेस्टर बोलो हॉस्पिटल में डाल दो, हॉस्पिटल में हॉस्टल में डाल दो। भाई बता सकते हैं ना कि ये फर्स्ट वालों का, सेकंड वालों का, थर्ड वालों का है। तो इसमें क्या हुआ कि भाई रोल नंबर से तो मैं पता लगा ही रहा हूं कि मेरा हॉस्टल कौन सा है, बट मैं साथ ही साथ क्या कर रहा हूं कि भाई मैं सेमेस्टर मुझे कोई बताता तब भी मैं हॉस्टल की वैल्यू बता रहा हूं। तो ये क्या हो गया, नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, फंक्शनली डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हुई, ट्रांजिटिविटी क्रिएट हो गई कि भाई ये तो है नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट और इसका रिलेशन था ही, तो जिसकी वजह से मैंने ये भी निकाल लिया। तो यहां पे दिक्कत आ गई कि भाई फंक्शनली डिपेंडेंट तो है इस पे, बट यहाँ पे कंप्लीटली नहीं है। यहां से ये भी निकाल सकते हैं, हम सेमेस्टर से भी इसको निकाल सकते हैं। ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई हमारे पास कि भाई अपडेट करने जाए, डिलीट करने जाए, इंसर्ट करने जाए, कि करने के साथ साथ कुछ और भी डिलीट हो जाए, अपडेट हो जाए, या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी इस टेबल के अंदर। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि भाई रूल तो फॉलो करना पड़ेगा, क्या कि टू एंड ऑफ में करके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांजिटिविटी जो आ रही है उसको खत्म करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इस टेबल को हम दो में डिवाइड करते हैं। कैसे कि पहला देखो कि फर्स्ट रिलेशन हम क्या निकाल सकते हैं कि भाई देखो रोल नंबर को ले रहे हैं, रोल नंबर पे कौन कौन डिपेंड करता है ये देखेंगे। नेम कंप्लीटली कर रहा है, वेरी गुड। फिर कौन कर रहा है, सेमेस्टर कर रहा है, ठीक है। नेम के साथ सेमेस्टर ले लेते हैं। एक टेबल तो मैंने ये बना दिया कि भाई ये जो नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है ये क्या हो रहे हैं, फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट हो रहे हैं इसके ऊपर, प्लस में इन नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट के बीच में कोई ट्रांजिटिविटी नहीं है। बिल्कुल ठीक, आगे बढ़े। अब देखो दूसरा रिलेशन किसका बनाएंगे, दूसरा रिलेशन अब मेरे ऊपर है। देखो कैसे करना है कि मुझे लग रहा है कि भाई मैं रोल नंबर हॉस्टल से भी निकाल रहा हूँ, सेमेस्टर से भी निकाल रहा हूँ, बट ट्रांजिटिविटी किसके बीच में आ रही है, सेमेस्टर एंड हॉस्टल के बीच में। इसी की वजह से ही तो मैं रोल नंबर पे जा पा रहा था, अभी रोल नंबर को इस भी अटैच कर रहा हूं। तो नॉन प्राइम की को जब आते हैं ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉन प्राइम की वाले जो होते हैं उनका टेबल बनाते हैं, ये याद रखना। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं यहाँ पे कि वो क्या करेंगे, एक बार मैं लिख लूं फिर आपको बताता हूं, ठीक है। एक टेबल मेरा ये बनेगा। अब वो गलती क्या करते हैं कि वो साथ ही साथ रोल नंबर के साथ सेमेस्टर और हॉस्टल को डाल देते हैं। बच्चों उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि दो को लेके जाने की क्या जरूरत है, हॉस्टल की वैल्यू के लिए। मैं तो रोल नंबर से भी हॉस्टल की वैल्यू निकाल सकता था, सेमेस्टर से भी निकाल सकता था, बट ट्रांजिटिविटी की वजह से ही तो अलग कर रहा हूं। जब मैं रोल नंबर को उनके साथ ले जाऊंगा तो वो तो सीधा सीधा ट्रांजिटिविटी फिर भी आ गई मेरे पास। रोल नंबर, सेमेस्टर और हॉस्टल दो नॉन प्राइम की के बीच में भी रिलेशन हो गया, और प्राइम कीज के बीच में भी रिलेशन हो गया नॉन प्राइम की के साथ, ट्रांजिटिविटी। अब क्या बताओ, ये जो नॉन प्राइम की है क्या इनका रिलेशन है, नहीं है। ट्रांजिटिव बेस पे कह रहा हूँ, नहीं है। फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। ये जो हॉस्टल है अब मेरे लिए क्या करेगी, की का काम करेगी, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पे, इस टेबल के हिसाब से सेमेस्टर पे। कोई ट्रांजिटिविटी अकर करती है, नहीं करती। 2NF में आ गया, 3NF में आ गया, 2NF में आ गया, 3NF में आ गया। टेबल को डिकम्पोज किया और ये दोनों के दोनों जो टेबल बन गए मेरे 3NF को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ट्रांजिटिविटी भी नहीं है, फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट भी है, कोई मल्टी वैल्यूड भी नहीं है। आगे आंसर भाई गाइस, ठीक है। तो ये था मेरे पास कि कैसे मैं किसी टेबल को जो 2NF में है उसको 3NF में कर सकता हूँ। बट ये हमें देखने के ऊपर है कि कोई भाई ट्रांजिटिविटी नहीं होनी चाहिए, बस इस पर मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो देख लेना तब आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक के अंदर आपके सामने है कुछ, है कुछ भी नहीं, ये चार लाइनों का, बट कॉन्सेप्ट पता होंगे कि प्राइमरी की ये जो भी हमारे पास जो 2NF के 1NF के देन जो ट्रांजिटिविटी या फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी वो क्या थी, दो लाइन में कर लोगे, बट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे हम रिलेशंस लेंगे जो 2NF में होंगे उसको कन्वर्ट करेंगे 3NF में, कि कैसे कर सकते हैं, कैसे देखेंगे ट्रांजिटिविटी है या नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करेंगे उसकी। तो गाइज ये था हमारा पास की थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ, ताकि कोई भी वीडियो आपकी छूटे नहीं। और सीक्वेंस वाइज मैंने हर चीज़ डाली हुई है, इन केस अगर कोई वीडियो सीक्वेंस वाइज आपको लगे कि नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में, ताकि मैं उसको अरेंज कर दूँ, ठीक है। थैंक यू।